नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्तवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। अगर मसरूफियत की वजह से या किसी और वजह से आपने माँ बनने के फैसले को डिले किया है तो अब ये फैसला लेने से पहले हमारी डॉक्टर की कुछ बातें सुन लीजिए। सो प्रेगनेंसी जो 35 इयर्स की एज के बाद प्लान की जाती है उसमें और जो प्रेगनेंसी पहले प्लान की जाती है दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जैसे कि नंबर वन हम कहते हैं फिकंडिटी। फिकंडिटी मतलब कि अगर एक साइकिल में एक यंग महिला ट्राई कर रही है प्रेग्नेंट होने का और एक ओल्डर एज ग्रुप यानी कि मोर देन 35 इयर्स की महिला ट्राई करती है तो चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट आर मोर अगर वो यंग एज पे ट्राई कर रही हैं, और जब वो एल्डर एज पे ट्राई करती हैं तो चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट इन दैट पर्टिकुलर साइकिल आर लेस। सो एक प्रेग्नेंट होने की जो चांसेस होते हैं दे आर मोर अगर हम यंगर एज पे प्लान करते हैं। तो इसीलिए वुमेन हु आर प्लानिंग देयर प्रेगनेंसी आफ्टर द एज ऑफ 35 उनको डेफिनेटली प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले एक प्री कंसेप्शनल एडवाइस की ज़रूरत है ताकि वो ये डिस्कस कर सकें इन डिटेल कि क्या प्रोज और क्या कॉन्स हैं, क्या उन्हें स्पेशल किन जांचों की ज़रूरत पड़ेगी ये देखने के लिए कि आफ्टर द एज ऑफ 35 उनकी बॉडी पर और बच्चे माँ और बच्चे दोनों के शरीर पर इसका क्या प्रभाव है। इफेक्ट्स ऑन मदर में मैं कहूँगी कि चांसेस ऑफ नंबर वन डिफिकल्ट इन कंसेप्शन, नंबर टू कि जो प्रेगनेंसी कंसीव भी करते हैं उसका अबॉर्शन होने का रिस्क और वो प्रेगनेंसी सक्सेसफुली पूरे टाइम तक पहुंच जाएगी ये जो चांसेस हैं ये कम हो जाते हैं आफ्टर द एज ऑफ 35। और आइए आज जान लेते हैं हमारी न्यूट्रिशनिस्ट आपको कौन सी टिप्स दे रही हैं। स्क्वॉश की बात करते हैं। स्क्वॉश एक बहुत ही वर्सेटाइल और डिलीशियस वेजिटेबल है जो कि आमतौर पर ऑल ओवर द वर्ल्ड पाया जाता है। ये बहुत हाईली न्यूट्रिएंट पैक्ड वेजिटेबल है जो कि बहुत चीज़ों में गुणकारी होता है। फॉर एग्जांपल इसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है, ये प्रिवेंशन अगेंस्ट कैंसर की में मदद करता है, ये आपके बोन्स की सुरक्षा करता है, इसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत अच्छी क्वांटिटी में है इसलिए आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में मदद करता है, और जिन्हें हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है उनका बीपी कंट्रोल करता है। आजकल तो स्क्वॉश कलर्स में भी आता है, येलो कलर का स्क्वॉश है, ग्रीन कलर का स्क्वॉश आता है, तो इसे आप कच्चा या ग्रिल करके कैसे भी खा सकते हैं। आप जब सैलड्स बनाते हैं तो उसमें आप एक आध स्क्वॉश का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि ये आपको बहुत देर तक पेट भर के भी रखता है जिस वजह से आपको बार बार खाने की क्रेविंग नहीं होती है। सूप्स में आप थोड़ा सा डाल सकते हैं, जैसे आप येलो बेल पेपर ले लें, येलो स्क्वॉश ले लें, कुछ हर्ब्स ले लें, इनको सबको मिला के एक बहुत टेस्टी सूप बन सकता है जो विंटर्स में बहुत वार्मिंग क्वालिटी देगा और आपको बहुत टेस्टी और हेल्दी रखे। और आज हमारी योगा एक्सपर्ट आपको सिखा रही है आदि मुद्रा। नमस्कार, आज जो मुद्रा करने जा रहे हैं वो है आदि मुद्रा। आदि मुद्रा से आपकी ऑक्सीजन सप्लाई जो ब्रेन को है वो बेटर होता है, उससे आपकी लंग कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है अगर आपको बहुत इन्फेक्शन होते हैं, रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं। उसके अलावा स्नोरिंग में हेल्प करता है, रिड्यूस करता है स्नोरिंग। जो लोग बहुत स्नोर करते हैं उनके लिए फ़ायदा हो सकता है। तो अब हम देखेंगे ये मुद्रा कैसे करनी है। सबसे पहले आप अपने थंब को यहाँ पर प्लेस करेंगे, जो आपकी सबसे छोटी फिंगर है यहाँ पर उसके बेस पर प्लेस करेंगे। यहाँ से हम एक मुट्ठी बनाएंगे, इसी तरीके से दोनों हाथों में बना के बस आप अपने हाथ अपने नीज के ऊपर रखेंगे। कम से कम 12 ब्रेथ्स लेंगे, नॉर्मल ब्रेथ नोट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे उससे ज़्यादा आप 10 मिनट 20 मिनट जब तक चाहे बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ देर बैठेंगे और सांस लेंगे। और कुछ देर बाद मुद्रा रिलीज़ करें और अपने आप नोटिस करें क्या चेंजेस हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट से जानिए कि अगर आपके चेहरे पर दाग हैं तो उन्हें कैसे दूर करें। नमस्कार, आज हम बात करेंगे एक बहुत कॉमन स्किन प्रॉब्लम के बारे में यानी कि ब्लेमिशेस। इसके लिए बेसिकली आपको एक रेगुलर स्किन केयर डिसिप्लिन करना बहुत ज़रूरी है, और बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जिसको अगर आप इस्तेमाल अल्टरनेट डेज पे भी करेंगे तो आपके ब्लेमिशेस में फ़र्क ज़रूर दिखने लगेगा। इसके लिए आपको चाहिए बेसन, कम से कम
दो चम्मच, पिसी हुई लाल मसूर की दाल एक हीप्ड टीस्पून एंड फुल फैट क्रीम मिल्क। ये आप चाहे कच्चा लें ठंडा लें। कई बार लोग मेरे से अक्सर पूछते हैं कि कच्चा दूध इस्तेमाल करें या उबला हुआ। एक्चुअली कोई खास फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन हाँ फुल फैट क्रीम मिल्क होना बहुत ज़रूरी है। इस स्क्रब को आप मिक्स कर लें। और ये लेप अपने पूरे चेहरे पे लगा के आप छोड़ दें। जब ये सेमी ड्राई हो जाएगा, यही दूध लेके आप इस पूरे लेप को पैट करेंगे और धीरे धीरे स्क्रब करना शुरू करेंगे इन रोटेटिंग बट लाइट मूवमेंट्स। मैंने कई बार देखा है कि लोग सोचते हैं कि जितनी ज़ोर से स्क्रब करेंगे उतनी जल्दी ब्लेमिशेस गायब हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आपको रैशेज निकल आएंगे। सो लीव इट एंड रोटेट विद जेंटल स्ट्रोक्स, नॉट वेरी हार्श। और इसको आप पहले अपने चेहरे को दूध से धो के ठंडे पानी से धो लें और आप देखेंगे कि एक या दो एप्लीकेशंस में ही योर स्किन विल स्टार्ट लुकिंग क्लीनर एंड क्लियरर। सी यू टुमारो। हमारी मेकअप एक्सपर्ट से जानिए कि अगर आपकी शादी होने वाली है तो अपना प्री ब्राइडल कैसे प्लान करें। आजकल वेडिंग सीजन ऑन है और हमारे कुछ व्यूअर्स जिनकी शादी हाल ही में होने वाली है वो हमसे जानना चाहते हैं कि किस तरह अपना प्री ब्राइडल प्लान करें और प्री ब्राइडल प्लान करते हुए क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये मान लीजिए कि 3 महीने पहले से ही आपका प्री ब्राइडल शुरू हो जाना चाहिए। इसके साथ साथ आपका फेस, जो कि आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए आपको फेशियल सर्विसेज सबसे पहले शुरू करवानी है ताकि आपकी स्किन हेल्दी लगे और क्लियर दिखे और खूब ग्लो करे। फेशियल सर्विसेज आपको 1-3 वीक्स लेनी चाहिए। इसके अलावा आपके हैंड्स एंड फीट भी बहुत ही निग्लेक्टेड एरिया होता है, इसका ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि एटलीस्ट 1 मंथ आप अपने मैनीक्योर पेडिक्योर ज़रूर कराएं। अब बात करते हैं आपके हेयर की। पोल्यूशन से, शॉपिंग स्प्रीज से, एक्सपोजर से आपके बाल डल लाइफलेस हो जाते हैं। कभी कभी तो ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से ये गिरने भी लगते हैं, इसीलिए आपको रेगुलर हेड मसाजेस या फिर हेयर स्पा कराना चाहिए। मैं रिकमेंड करूँगी आपको 1 वीक स्केड्यूल हेयर स्पा या फिर हेड मसाज के लिए। अब बात करते हैं आपके बॉडी केयर की। अगर आप वैक्सिंग नहीं कराती हैं और सोच रही हैं कि शादी से पहले ही वैक्स कराएंगी तो ये एक अच्छा आइडिया नहीं होगा, बिकॉज सबसे पहले जब हम वैक्सिंग ट्राई करते हैं हमें रैशेज ज़रूर होते हैं। इसीलिए बेटर रहेगा कि आप शादी से 3-4 महीने पहले ही ये सर्विस ट्राई करें ताकि अगर कोई रैश हो या ब्रेकआउट हो तो आपको उसे ठीक करने का टाइम मिल जाए। इसके अलावा अपना स्ट्रेस लेवल और बॉडी के ग्लो के लिए आप स्पा सर्विसेज भी ट्राई कर सकती हैं। आई होप आपको ये टिप्स यूजफुल लगी हो। थैंक यू। फिट रहे इंडिया में आज इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। चाहे तो आप हमारे साथ ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #fitreheindia। फिलहाल पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।